रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, तो अभी बुक अंदर रखो, बिकॉज वो कंसेप्ट होने के बाद में देन विल बी डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है, रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन. अभी पूरा जो है पूरा डेरिवेशन पार्ट हम लोग करेंगे अभी. इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, बुक वगैरह अंदर, सिर्फ नोटबुक ऊपर रखा है, बराबर प्रॉपर नोट्स बनाओ. यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद 12th स्टैंडर्ड, करेक्ट? तो जो है प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो भी डेरिवेशन है मेंटेन दैट. ओके, यस, ओके. अच्छा, रोटेशनल डायनेमिक्स जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है. तो न्यू सिलेबस में दे हैव चेंज्ड इट, तो ये दो चैप्टर इसके अंदर आ रहा है. वन इज सर्कुलर मोशन, जिसका हाफ पार्ट 11th में हो गया, सो आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट पार्ट. और दूसरा है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन. ओके, तो ये दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है. अगेन दिस चैप्टर कैरीज अराउंड 7 to 8 मार्क्स वेटेज, सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ 4-4 मार्क्स अप्रोक्सिमेटली विथ न्यूमेरिकल्स. इज दैट क्लियर? सो आज हम लोग कौन सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट सर्कुलर मोशन. 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कुछ ध्यान में है क्या? या चलो ठीक है, रिवाइज करके देखते हैं कितने जन को ध्यान में आता है. लेट अस टॉक अबाउट टुडे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर सर्कुलर मोशन. 11th में हमने काफी सारा डेरिवेशन कर लिया था. चलो वंस अगेन वी विल जस्ट सी दैट. सर्कुलर मोशन का पहले मीनिंग मैंने बताया था. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? मोशन अलोंग सर्कमफेरेंस, बराबर है? मोशन अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. फिर हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा था UCM, याद है इसका मीनिंग? यूनिफॉर्म. इसका मतलब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट इधर? स्पीड कांस्टेंट. सो अगर सर्कुलर मोशन है जिसमें बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो हम लोग उसको बोलेंगे द बॉडी इज परफॉर्मिंग व्हाट? यूनिफॉर्म, करेक्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट का मतलब, अभी मुझे बताओ, स्पीड कांस्टेंट मैंने बताया अगर, सो इज इट वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट? यस और नो? इफ आई से स्पीड कांस्टेंट, सो डू यू अंडरस्टैंड विद दिस दैट वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? यस, यस और नो विद प्रॉपर रीजन? कितने जन बोल रहे हैं यस? हाथ ऊपर करो. मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, स्पीड और वेलोसिटी मालूम है ना तुम लोग को? क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, स्पीड मतलब क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड. और वेलोसिटी में क्या आता है? हाँ, तो क्या मैं बोल सकती हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, बराबर है? सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल का यहाँ पे पोजीशन है तो ये वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे पोजीशन है तो ये वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे पोजीशन है तो ये वेलोसिटी हो गया. डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आई कैन नॉट से वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, बट आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी कैन से वॉट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज MCQs में या किसी में भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करता है. समझ में आया? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, वी कैन से हियर. ठीक है, फाइन. सो ये हो गया, UCM के बारे में हमने पढ़ा था. देन नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैड स्टडीड अबाउट, मैंने बताया था ये सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर, दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल P, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बोलो? रेडियस. अगर एरो बना दिया तो क्या बन गया? रेडियस वेक्टर. क्या बना ये? बराबर है? तो ये पोजीशन यहाँ पे है, बाद में पोजीशन चेंज हुआ, यहाँ पे आ गया बॉडी, बराबर है? सो परफॉर्मिंग व्हाट? सर्कुलर मोशन. सो ये भी क्या हो गया उसका? रेडियस वेक्टर, बराबर. तो ये पार्टिकल का पोजीशन यहाँ से यहाँ गया, सो वी कॉल दिस एज व्हाट? थीटा. थीटा का नाम बोलो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा का नाम क्या है? ये पार्ट ऑलरेडी 11th में हुआ है, बट अगेन आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. याद आया कि नहीं आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? How will you define? What is angular displacement? Raise your hand if you know.
स्टैंड अप एंड टेल डिस्टेंस बिटवीन टू रेडियस रॉन्ग व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अभी मैंने पूरा सिचुएशन बता दिया ना उसी को फ्रेम करो सेंटेंस में रॉन्ग होगा राइट होगा चलेगा ना एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स व्हाइल परफॉर्मिंग क्लियर हुआ सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स बराबर है ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वी कॉल इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अच्छा इसको डिनोट करते हैं थीटा से इसका यूनिट क्या होगा रेडियंस यूनिट क्या होगा आप लोग डिग्री नहीं बोल सकते समझ में आया क्लियर हुआ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ रिलेटेड सो इसका यूनिट क्या है रेडियंस अच्छा ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे आर्क तो दिख रहा है सेक्टर दिख रहा है ना पूरा पार्ट ये सेंटर ओ है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ये क्या हो गया डिनोटेड बाय एस और ये क्या है आर बराबर है रेडियस वेक्टर क्लियर हुआ सो तुमने पढ़ा था ना लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला याद है क्या आएगा एस इज इक्वल टू थीटा याद आया कि नहीं आया तो फॉर्मूला क्या आएगा एस इज इक्वल टू Therefore, theta, theta क्या है इधर एंगुलर theta is equal to what? S by R. ये फॉर्मूला बन गया theta is equal to S by R. S मतलब क्या हो गया R? R मतलब रेडियस बराबर है इज दैट वेरी क्लियर तो पहला वाला फॉर्मूला डेफिनेशन सब समझ में आया वॉट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन टू मैंने पार्टिकल परफॉर्मिंग बराबर है दूसरा फॉर्मूला क्या है थीटा का एस अपॉन आर क्लियर दैट इज आर्क अपॉन रेडियस इसका डायमेंशन होगा क्या नहीं नो डायमेंशन बराबर है क्योंकि रेडियंस का कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि डायमेंशन में क्या क्या आना चाहिए फंडामेंटल क्या क्या है वो मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट बराबर है और टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्लियर हुआ ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्लियर हुआ तो अगर वो नहीं है कुछ भी सो वी कैन नॉट राइट डायमेंशंस अंडरस्टूड ठीक है सो नो डायमेंशन हो गया अगर सपोज एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है ना रिलेटेड कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करो सारा चीज लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं पूछेंगे प्लीज राइट यूनिट डायमेंशन ऐसा मेंशन नहीं होगा अगर तुम लोग को क्वेश्चन पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट लिखो समझ में आया क्योंकि तुम लोग ना एक एक एंगुलर डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खाली एक डेफिनेशन लिख देते हो उसका फॉर्मूला भी लिखने का साथ में आई बात समझ में ठीक है अभी हम लोग देखेंगे इसका डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो अभी ये आएगा राइट हैंड थंब रूल ठीक है ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है ना तो ये कर्ल्ड फिंगर शोज व्हाट डायरेक्शन ऑफ मोशन कर्ल्ड फिंगर शोज एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है देखो एंटी क्लॉक अगर ये एंटी क्लॉक में जाएगा तो कैसे आ जाएगा ये वाला आपको भी लिख दे सुनिए ठीक है एंटी क्लॉक में जाएगा तो क्या हो गया आउटवर्ड और यही अगर क्लॉक में जाएगा तो इनवर्ड बराबर है सो वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कौन सा रूल राइट हैंड थंब रूल और दूसरा स्क्रू रूल स्क्रू ड्राइवर का भी सेम कंसेप्ट है स्क्रू रूल क्लियर अगर इनसाइड करेंगे क्लॉक में करेंगे तो अंदर जाता है ना और एंटी क्लॉक में करेंगे तो बाहर आता है क्लियर हो गया थीटा का वैल्यू ठीक है ये भी हमने 11th में पढ़ा था सेकेंड कंसेप्ट Now we are going to talk about the third one, that is omega. Do you remember this symbol? Yes. Iska naam bolo. Angular. Yes. Isko kya bolte hain? Angular velocity. Angular velocity. Acha, abhi ye to ekdam simple sa hai. Velocity kya hota hai? Velocity kya hota hai? आंसर चाहिए मुझे ऐसा बैठ करके ऐसा नहीं चाहिए प्लीज
इंटरक्टिव होना है सबको, बैठ करके स्टोरी सुनने के लिए नहीं आ रहा है कोई इधर. व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, तो ये ओमेगा है बराबर है एंगुलर वेलोसिटी, ये आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर अपॉन टाइम. गेटिंग इट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय, तो ये हो गया थीटा अपॉन टी. फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया. सो एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, थीटा अपॉन टी. क्लियर, ओके. अगेन इसका यूनिट अभी देखते हैं, फटाफट जल्दी बताओ यूनिट क्या होगा. रेडियंस, यू कैन रिमेंबर दिस वे आल्सो. क्लियर हुआ. अगेन अबाउट डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन अगर मैं देखूंगी तो सेम टाइप में आएगा, राइट हैंड थंब रूल. तो ये जो है थंब शोज व्हाट, थीटा ओमेगा. समझ में आया, सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर, राइट हैंड थंब रूल. एवरीवन अंडरस्टूड, सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आया. तो तीन कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर एंगुलर. क्लियर हुआ. अभी और एक है जो है थर्ड, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, अल्फा, याद आ रहा है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा क्या है, यस दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर है. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डोंट से वेलोसिटी बराबर है. दूसरा तरीका क्या है एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रिपीट, व्हाट इज एक्सेलरेशन, सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. समझ में आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सो लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू, द रेट कैसे लिखते हैं, डी टी, द रेट डी टी चेंज डी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. क्लियर हुआ फॉर्मूला. तो यहां से भी हम बना सकते हैं, कैसे चलो देख लेते हैं. रेडियन पर सेकेंड होता है ना इसका, अपॉन सेकेंड, सेकेंड सेकेंड बिकम स्क्वायर, तो रेडियंस पर स्क्वायर. डायमेंशन बताओ जल्दी फटाफट, टी माइनस टू, बिकॉज रेडियंस का कोई डायमेंशन नहीं होता है. समझ में आया, तीसरा भी कंसेप्ट समझ में आया. इसका भी डायरेक्शन कैसे यूज होगा, सेम राइट हैंड थंब रूल. सो थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ थीटा ओमेगा अल्फा. समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है. ये मैं एक एक फटाफट डिक्टेट करवाऊंगी, लेकिन इसके पहले अभी तुम लोग मुझे जरा बताओ, ये हो गया सेंटर, ये क्या है रेडियस वेक्टर बराबर है. हाँ, ये क्या दे रहा है डायरेक्शन, ये किसका है वेलोसिटी, क्या ये बराबर है. तो रेडियस और वेक्टर और वेलोसिटी, और ये वाला डायरेक्शन मालूम है, ये किसका डायरेक्शन है, किसका किसका डायरेक्शन, जेड एक्सिस. अभी पढ़ा ना सर्कुलर मोशन में, ये कौन सा डायरेक्शन देता है, थीटा ओमेगा. समझ में आएगी नहीं, थीटा ओमेगा अल्फा. कभी मुझे बताओ अल्फा और आर में कितना एंगल है, 90 डिग्री. तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस. कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस. ओमेगा और आर में कितना एंगल है, ये दोनों जो है क्रॉस प्रोडक्ट. समझ में आया. सो और एक फॉर्मूला 11th में पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद है कि नहीं याद है. v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आर अल्फा. समझ में आया, ये दोनों फॉर्मूला हमने 11th में किया था, अभी जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स है. v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, अगर मुझे वेक्टर में लिखना है तो v वेक्टर, ये दोनों के पीछे कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस. तो ओमेगा क्रॉस आर, ये ओमेगा फिक्स है, आर चेंज. समझ में आया, ओमेगा क्रॉस आर. तो ये वेलोसिटी है, तो पहले क्या आएगा, वेलोसिटी. ये लीनियर वेलोसिटी है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी.
ए वेक्टर बोलो जल्दी से, अल्फा क्रॉस आर, समझ में आया? ए वेक्टर क्या होगा इधर, अल्फा क्रॉस आर, ये ध्यान में रहेगा सबको इतना पार्ट, समझ में आया? ठीक है, कौन सा पहले आएगा मालूम मैंने इसमें, सो वेलोसिटी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ऐसे ध्यान में रखो, ओके फाइन। देन और एक कंसेप्ट था, पहले रिवाइज करा देती हूँ बाद में लिखवाते हैं, व्हाट इज दिस सी पी एफ मीनिंग, सेंट्रीपेटल फोर्स, व्हाट इज सी एफ एफ, दोनों में फर्क क्या है, सेंट्रीपेटल, एक जन बोलेगा, कोई इधर पीछे से बोल सकता है, के फाइन, पहला डिफरेंस हो गया, दूसरा क्या है, मीनिंग बताओ इसका, नहीं इधर से कोई और नाम देगा, इधर से सेंट्रीपेटल में, हाँ करेक्ट, टुवर्ड्स द सेंटर, वेरी गुड, ओके, सो थोड़ा सा और डिफाइंड वे में कैसे लिखेंगे, एक तो रियल एंड सीडो, सेंट्रीपेटल मतलब होता है टुवर्ड्स, बराबर है ना, फोर्स विच एक्टिंग टुवर्ड्स, ये पूरा सेंटेंस हो गया, फोर्स एक्टिंग, समझ में आया, तो ये हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स, ये हो गया सेंट्रीप्यूगल फोर्स, समझ में आया, और कोई डिफरेंस मैंने बताया था, हाँ न्यूटन लॉ रियल में एप्लीकेबल होता है, बराबर है, न्यूटन लॉ इज फोर्थ वाला पॉइंट, हाँ इट हेल्प्स टू मेंटेन, इट डज नॉट हेल्प टू मेंटेन, ये सारा हमने ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ, याद है ना सबको, ध्यान में है, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट अभी तक का जो भी किया दैट वाज ऑलरेडी इन 11th स्टैंडर्ड, बराबर है, अभी हम लोग ये वाला पूरा पार्ट क्लियर हो गया, जल्दी फटाफट अभी लिखना शुरू करेंगे, चलो फिर मैं फॉर्मूले का लिस्ट दूंगी, अगेन यहाँ पे भी फॉर्मूला सब इम्पोर्टेंट है, देखो पेपर वन में मैक्सिमम फॉर्मूले हैं और क्वेश्चंस भी उसके हिसाब से ट्विस्ट करके आता है पेपर वन, ओके फर्स्ट वाला लिखो फटाफट, यूसीएम का लिखो, हेडिंग लिखो यूसीएम, फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखो रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर हो गया, इसमें पहला कंसेप्ट हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में फर्स्ट कंसेप्ट इज यूसीएम, यूसीएम मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका बेसिक मीनिंग याद है सबको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी विथ कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग सर्कुलर मोशन या इन अ सर्कुलर मोशन, लिखो मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन या लॉन्ग अ सर्कल, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्वेश्चन तुम लोग का कभी जिंदगी में नहीं आएगा, डिफाइन ये मीनिंग मालूम होना चाहिए, समझ में आया, हाँ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्या पॉइंट था, हाँ कौन सा डेफिनेशन किया था, एंगुलर, लिखो हेडिंग लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिनोटेड बाय थीटा, क्या डेफिनेशन है, कौन बताएगा, गर्ल्स में रेज योर हैंड, अब स्टैंड अप एंड टेल मी, डिस्टेंस में उधर ही गड़बड़ हो गया, एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में हो गया क्लियर, एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स, ये सिंपल डेफिनेशन दे रही हूँ, तुम्हारे बुक में आएगा एंगल ट्रेस्ड बाय टू रेडियस वेक्टर्स व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीनिंग एक ही है, ठीक है, तो क्या लिखा है जल्दी बोलो, क्या लिखा, एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, क्लियर,
आई फटाफट इसका फॉर्मूला वगैरह सब लिखो जल्दी से। थीटा का फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? क्या है? एस अपॉन आर, एस का मतलब आर अपॉन रेडियस, यूनिट लिखो उसका, फटाफट लिखते जाओ, यूनिट रेडियन, अरे डायरेक्शन लिखो इसमें, डायमेंशन तो नहीं है, डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, बराबर है? रूल अभी समझ में आया है ना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल, तब हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे मालूम है ना? राइट हैंड थंब रूल में कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। नेक्स्ट वाला बोलो अभी कौन सा है, थर्ड वाला जल्दी फटाफट लिखते जाओ। थर्ड वाला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, फटाफट लिखो फास्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, डेफिनेशन बोलो इसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो फॉर्मूला क्या आएगा? थीटा अपॉन टी। क्लियर? और कौन सा फॉर्मूला अभी हमने लर्न किया था सर्कुलर मोशन के लिए? ओमेगा का ही। ओमेगा में अल्फा कैसे आएगा बेटा? बी बाय आर, याद आया? बी इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा ना अभी, समझ में आया? बी इक्वल टू आर ओमेगा से क्या मिलेगा? बी बाय आर। ये बी बाय आर कब यूज करेंगे? जब सर्कुलर मोशन है, समझ में आया? और थीटा बाय टी हम लोग एनी टाइम यूज कर सकते हैं जहां पे भी आर्क बनता है। आर गेटिंग इट? ठीक है। ओमेगा का और बहुत सारा फॉर्मूला हमने लेवन में पढ़ा था। अच्छा ठीक है, ध्यान में है किसी के भी? चलो थीटा बाय टी है ना, अभी तुम लोग मुझे दूसरा फॉर्मूला बताओ कि अगर ये पार्ट है, ये रेडियस वेक्टर है पी वन से ऐसे ऐसा जा रहा है ना, थीटा बन रहा है, बराबर है? तो ये अगर पूरा स्टार्ट करके ये एंड से यहाँ पे सर्कल आ गया तो कितना टाइम लगता है उसको? उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टाइम। क्या बोलते हैं उसको? ध्यान में है? व्हाट इज पीरियोडिक टाइम? टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन, समझ में आया? तो इसको टाइम कितना लगेगा? पीरियोडिक टाइम। स्मॉल टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल टी। मीनिंग समझ में आया क्या? बट थीटा कितना होगा मुझे बताओ, यहां से आकर के यहां तक पूरा जाने के लिए, स्टार्ट से एंड कितना एंगल हो गया? 2 पाई, यस और नो? 2 पाई, 360 डिग्री, बराबर है ना? एंगल कितना हो गया? 2 पाई। और एक नया फॉर्मूला बन गया, 2 पाई बाय टी। क्लियर हुआ? 2 पाई बाय टी, ये भी 11th में पढ़ा था, इसीलिए इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। पूरा डेफिनेशन मैंने लिखवाया था पीरियोडिक टाइम का, अगर नहीं याद है तो जरा नोटबुक निकालो, उसमें से लिख करके अलग से रख दो। पीरियोडिक टाइम का डेफिनेशन क्लियर हुआ? व्हाट इज पीरियोडिक टाइम? टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट, यस, इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर और एक चीज पढ़ा था, व्हाट इज 1/T इज इक्वल टू एन फ्रीक्वेंसी, 1/T फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ। एक नया फॉर्मूला और एक बन जाएगा, 2 पाई एन, समझ में आया? 2 पाई एन, ये पूरा लिस्ट हमेशा याद रखना है, 2 पाई बाय टी, 2 पाई एन। ये टी और ये टी में फर्क मालूम पड़ा है सबको? दिस इज एनी टाइम, दिस इज पीरियोडिक टाइम। क्लियर? अभी फटाफट डायमेंशन, यूनिट, डायरेक्शन तीनों लिखो फटाफट। यूनिट लिखो इसका, डायमेंशन लिखो और डायरेक्शन लिखो। यूनिट क्या है इसका? लिखा रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन क्या है? टी माइनस वन। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, बराबर है?
ओके तो ये हो गया कंप्लीट एंगुलर वेलोसिटी. अभी नेक्स्ट वाला कौन सा है? एंगुलर एक्सेलरेशन. लिखो फटाफट नेक्स्ट वन. एंगुलर एक्सेलरेशन हाँ डिनोटेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय व्हाट इज द स्टेटमेंट डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. फॉर्मूला लिखो इसका डी ओमेगा बाय डी टी. डी ओमेगा बाय डी टी. दूसरा फॉर्मूला बोलो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी. तुम्हारी बुक में ना ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट दिया है, समझ में आया? ये थोड़ा इजी होता है ध्यान में रखने के लिए. ओके तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी. क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? टू पाई एन. टू पाई एन तो क्या आएगा? टू पाई एन टू माइनस टू पाई एन वन अपॉन टी. क्लियर हुआ? टू पाई एन टू माइनस टू पाई एन वन अपॉन टी तो क्या बन जाएगा? टू पाई कॉमन ना, तो एन टू माइनस एन वन अपॉन टी. इतना सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट अभी फिलहाल हम लोग बना रहे हैं. बट ओमेगा का तुम लोगों को मालूम होगा तो एनी टाइम यू कैन सब्स्टिट्यूट. बराबर है? और कौन सा फॉर्मूला था लास्ट? एक और ए बाय आर. ए बाय बराबर है. ए क्या है इसमें? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन. आर हो गया रेडियस. न्यूमेरिकल्स में करेंगे ना, पहले एक बार ये कर लेते हैं. जब न्यूमेरिकल्स का ये फॉर्मूला याद रखो पहले, न्यूमेरिकल्स में सब समझ में आ जाएगा कब क्या यूज करना है. अगर हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है. क्लियर हो गया इतना पार्ट? ठीक है तो ये पूरा अभी इसका फटाफट क्या लिखेंगे हम लोग? यूनिट डायमेंशन डायरेक्शन. जल्दी यूनिट लिखो. हो गया लिखे? हाँ जल्दी फटाफट. वेरी गुड. डायमेंशन डायरेक्शन लिख लिया. टी माइनस टू राइट हैंड थंब रूल. ठीक है इसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सा पार्ट? वेक्टर फॉर्म में. बराबर है? इन वेक्टर फॉर्म क्या क्या पढ़ा था हमने वेक्टर फॉर्म का? हाँ बी वेक्टर और ए वेक्टर. बी वेक्टर क्या है? हाँ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. ए वेक्टर क्या है? अल्फा क्रॉस आर. क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब ध्यान में है ना? क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कौन सा आता है ट्रिग्नोमेट्री? साइन. और डॉट को हटाएंगे तो कॉस. बराबर है? इसमें सम दूसरे से रिलेटेड भी हो सकता है. ओके तो ये वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया. अभी इसके बाद में नेक्स्ट था सीपीएफ एंड सीएफएफ. ये डिफरेंसेस आते हैं. ठीक है सेंट्री सेंट्रीपिटल फोर्स. ये ट्वेल्थ में भी क्वेश्चन आता है और इस साल के इसमें आया है. ठीक है अभी जो एग्जाम हुआ सीएफएफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फटाफट जरा पॉइंट्स लिख लो. पॉइंट जल्दी लिख लो ध्यान में आ जाएगा. मुझे मालूम है कोई इतना मेहनत नहीं करने वाला कि पहले वाला ढूंढे और लिखे. पहला पॉइंट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस. फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर. अलोंग रेडियस. और ये क्या आएगा इधर? फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग रेडियस. अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग रेडियस.
इसको रेडियली भी बोल सकते हैं, रेडियली अवे, रेडियली टुवर्ड्स, वी कैन से दैट ऑल्सो. सेकेंड, रियल फोर्स एग्जिस्ट, इट्स अ रियल फोर्स, सीडो फोर्स. थर्ड, न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल. न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल, और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल. और लास्ट वाला, हेल्प्स टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, हेल्प्स टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे डज नॉट हेल्प. एग्जाम्पल्स मालूम है, सेंट्रीपेटल के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, सबके बीच में कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल, बराबर है. फॉर एग्जाम्पल बोलो अभी, सैटेलाइट रिवॉल्विंग, बराबर है, ठीक है. और दूसरा, हाँ, स्टोन टाई टू अ स्ट्रिंग, और सर्कल में घुमाएंगे, बराबर है ना. तो बॉडी और के बीच में, दोनों के बीच में कौन सा है? सेंट्रीपेटल टुवर्ड्स सेंटर. कार जब टर्न लेता है तभी वहां पे भी सेंट्रीपेटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर है, ठीक है. और सेंट्रीफ्यूगल का भी सेम एग्जांपल है, जहां पे भी सेंट्रीपेटल है उसके अपोजिट में क्या है? सेंट्रीफ्यूगल, बराबर है, हो गया, ठीक है. सो अभी जो है, हाँ, उसके पहले जरा काइनेमेटिकली कर लेते हैं, फिर डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है. काइनेमेटिकल इक्वेशंस याद है? काइनेमेटिकल इक्वेशंस, हाँ, क्या क्या है जल्दी बोलो. तो हम लोग काइनेमेटिकल लीनियर के लिए भी पढ़ेंगे और एंगुलर के लिए भी पढ़ेंगे. लीनियर एंड लीनियर में क्या क्या था? तीन पढ़ा था ना हमने, क्या क्या था बोलो. वी इज इक्वल, एस इज इक्वल, बराबर है. हाँ, एंगुलर में क्या हो जाएगा? वी की जगह पे क्या लगेगा? ओमेगा, ये भी पढ़ा ना हमने, बराबर है. तो एंगुलर केस में एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे ना, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ये फाइनल है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा टू, ओमेगा वन प्लस. लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, अल्फा टी, समझ में आया? इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स यूज होंगे. इसका बताओ फटाफट, थीटा, एस की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. इसका बताओ, टू स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा. अगर तुम लोगों को पूछा, हो गया लिख करके, अगर तुम लोगों को पूछा टायर का, टायर रोटेट हो रहा है ना, उसका नंबर ऑफ रोटेशंस बताओ, तो कैसे निकाल सकते हैं मुझे बताओ. एक रोटेशन मतलब थीटा कितना हुआ? 2 पाई. तो नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना मतलब थीटा अपॉन 2 पाई, बराबर है, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय 2 पाई, उतना नंबर ऑफ रोटेशन. तो ये भी समझ आते हैं, समझ में आया? सर, नंबर ऑफ रोटेशंस, टायर का रोटेशंस कितना हुआ?
ये सब पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है, तुम लोग चाहिए तो एक पेज पे लिख करके चिपका के भी रखो ताकि बार बार ध्यान में रहे, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोटेशंस हो गए। अच्छा मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि नोटेशंस भी चेंज होते हैं, सीबीएसई में अलग है। हाँ क्या क्या है, एन न्यू एफ बराबर है, सो दीज आर नोटेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर है। और यूनिट क्या है इसका, हर्ट्ज पर सेकेंड, आरपीएस, सीपीएस, ऐसा कुछ भी यूज हो सकता है। अभी इसमें हर्ट्ज मालूम है सबको, पर सेकेंड भी मालूम है ना, पर सेकेंड किसे है पता है, वन अपॉन टी। आरपीएस मतलब क्या होता है, रोटेशन पर सेकेंड, सीपीएस मतलब साइकल्स पर सेकेंड, उतना साइकल्स बराबर है, सीपीएस। क्लियर हुआ, फटाफट नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो ये सारा इंफॉर्मेशन 11th वाला पार्ट था, लेकिन इसमें भी आएगा, ठीक है। जितना भी मैंने डिक्टेट करवाया वो सारे क्वेश्चन में से आ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन पार्ट, ठीक है। अभी डेरिवेशन में पहला क्वेश्चन पहले लिख लो। अभी हम लोग जो है ना, अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, फर्स्ट कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, रोड्स के बारे में, कितने टाइप्स का अलग अलग सिचुएशन में प्लेसेस में तुम लोग रोड देखते हो। अब जैसे गली वाला जो रोड है उसमें भी टर्न लेते हैं बराबर है, हाईवे वाला रोड है वहाँ पे भी टर्न लेते हो, गली और हाईवे में फर्क है कि नहीं है। वहाँ पे जो हाईवे वाला रोड है देखते हो वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा होता है, ऐसे रेसिंग ऑफ द कार देखा है ना, हाँ तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ पे टर्न लेने के टाइम पे थोड़ा सा रेज होता है कि नहीं होता है, आउटर एज बराबर है, तो वो क्यों होता है, क्या रीजन है बराबर है। तो वो सारे के ऊपर से कैलकुलेशंस हम लोग पढ़ने वाले, पूरा डेरिवेशन है उसका, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग गली का रोड पढ़ेंगे बराबर है। तो अभी लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिख लो जो आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर velocity of vehicle on a horizontal curved road. Derive an expression for velocity of vehicle on a horizontal curved road. ठीक है, ये जो है 2 marks के लिए question आता है। एक बार exam में ऐसे ही हुआ था before lockdown का, जब ये just नया syllabus आया था तभी हॉरिजॉन्टल कर्व रोड सबने लिए दूसरा वाला डेरिवेशन कर लिया, सोचा होगा बहुत बड़ा वाला ही लिखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशन बड़ा है, तो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, कर्व रोड मतलब कर्व रोड वाला डाल दिया। तो उसमें अलग टाइप है, जैसे मैंने बताया ना एक गली वाला, दूसरा आएगा हाईवेज, हाईवे से बैंकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट टर्म एनीवेज। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, अब इसमें कैसे डेरिवेशन पार्ट में, मतलब ये अपना रोड एंड देन ये कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड सादा बराबर है। अगर इस पे व्हीकल है, ठीक है, तो व्हीकल पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेगा, इधर ध्यान देंगे सब लोग, क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेगा इस पे, अरे मुझे बताओ, एक सिंपल सा बताते जाओ, कितना तुम लोगों को समझ में आ रहा है वो बोलो। पहले ही सेंट्रीपिटल आ गया, चलो ठीक है, और कुछ नहीं यार, बॉडी का वेट भी होता है कि नहीं होता है, तो पहला वेट से शुरू करते हैं ना, इसका वेट कितना जाएगा, ऊपर नीचे, अच्छा ठीक है नीचे आएगा भाई, तो क्या लिखूँ इसको, एम जी, ठीक है खाली नीचे ही वेट एक्ट करेगा, दूसरा कुछ नहीं एक्ट, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, वेरी गुड, ठीक है। अभी रोड तो अपना सादा वाला रोड है, उसमें ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं किया है बराबर है, तो कौन सा उस पर स्पीड क्या रखते हैं हम लोग, नॉर्मली कम ही रखते हैं स्पीड बराबर है, क्यों होता है कम, क्यों क्या रखते हैं, रीजन क्या है वहां पे, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है वो, तो दोनों के बीच में टायर और रोड के बीच में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसको टर्निंग के टाइम पे क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल, टर्निंग के टाइम पे सेंट्रीपेटल बराबर मिलना चाहिए ना, नहीं तो क्या होएगा गाड़ी,
पलटी हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो प्रॉपर बाइक में क्या करते हैं, पैर नीचे रख देते हैं, साइकिल में क्या करते हैं, पैर थोड़ा नीचे रख देते हैं जहाँ पे टर्न लेना होता है, बराबर है, टर्निंग के वहाँ पे, ताकि वहाँ पे जो है या स्पीड में है तो जो भी पार्ट, तो यहाँ पे जो है उसको एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फोर्स कौन सा है अपना, ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अभी ये जो पार्ट है ये गली में अगर है तो टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल, बराबर है। तो और अपोजिट साइड में कौन सा होगा, ये सेंट्रीपेटल फोर्स इधर मेंटेन कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इतने सारे फोर्सेस है जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, जैसे गली में टर्न करो तो इस तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है, सेंट्रीपेटल, तो अपोजिट में कौन सा जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। टुवर्ड्स द फ्रिक्शन साइड में कौन सा आता है, सेंट्रीपेटल, और अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल। अभी कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है बताओ, यहाँ से देखिए मालूम पड़ रहा है ना, एन इज इक्वल टू व्हाट, ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा मैंने फॉर्मूला तो दिया ही नहीं सेंट्रीपेटल का, याद है एम बी स्क्वायर बाय आर, याद है, वेरी गुड, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर हुआ, हो गया डेरिवेशन। अभी एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एन, अभी तो ध्यान में आ गया होगा, बहुत बार किया है इसको, बराबर है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बट एन क्या है, एम जी, तो ये क्या हो गया म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर हुआ, क्या क्या कैंसिल हो गया इसमें, एम गेट्स कैंसिल, बराबर है। फाइंड आउट क्या करना है हमको, हाँ स्पीड ऑफ व्हीकल या वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, बराबर है, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ये इधर जाएगा ना, म्यू आर जी, यस और नो, किसी को डाउट हो गया इसको यहाँ से यहाँ क्यों लिखा है, इसको कहीं भी लिखो लेकिन उसके बाजू वाले को हटाओ, नीचे कौन है आर, उसको उधर लेके जाओ, समझ में आया। तो अभी आर उधर चला गया तो क्या आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, म्यू, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ म्यू आर जी, सो दिस इज द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, समझ में आया। तो ये तुम्हारा जो है मिनिमम स्पीड ये होना चाहिए, म्यू क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बराबर है, म्यू एस लिखते हैं, म्यू भी लिखे चलेगा, बराबर है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व रोड, कितना टर्न लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्व रोड, और जी का वैल्यू मालूम है, इज दैट क्लियर। तो ये डेरिवेशन समझ में आया क्या, दो लाइन का वेरी क्लियर वन, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी अपने मन से लिखने का है, पूरा डेरिवेशन अपने मन से ही करना है सबको। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वन मिनट, अभी लिखने का तरीका क्या है, बोर्ड में अगर तुम लोगों को लिखना है तो पहला एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है, हर एक टर्म्स का मीनिंग होना चाहिए और फिर डेरिवेशन, इतना ही पार्ट तुम लोगों को लिखना होता है। जहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम, तो यहाँ पे डायग्राम तुम लोगों को बनाना है, क्योंकि वेक्टर्स क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, बराबर है ना, क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बराबर है। तो पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम तुम लोग सिंपल सा रोड वाला बना दोगे ना तो भी चलेगा, ये है, बराबर है, हाँ, क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पे, हाँ ये तुम लोग बना दो यहाँ पे फोर्सेस, एक तो ऐसा वाला एक्ट करेगा, बराबर है ना, और एक ऐसा, बस सिंपल, खाली इसको नेमिंग कर दो, कौन सा क्या किधर नेमिंग आएगा जल्दी बताओ, एम जी ऊपर एन एफ एस, बराबर है, ये सी एफ एफ, सी पी एफ किस तरफ आएगा, ये मोशन है ना, तो सी पी एफ इधर ही आएगा, बराबर है कि नहीं। FS क्या करता है, CPF को बैलेंस करता है या अपोजिट, ये सेम डायरेक्शन में CPF या अपोजिट है, दोनों का फॉर्मूला सेम, बराबर है, ये जो आएगा ये मोशन है, मोशन ऑफ व्हीकल, बराबर है, इस डायरेक्शन में, करेक्ट। अभी क्या क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, दो लाइन जरा सबका एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे बोलो, कंसिडर व्हीकल ऑफ मास M moving on curved road of radius r,
एक दो का मैं दूंगी, बाकी तुम लोग अपना खुद ही सेंटेंस बना सकते हो, बराबर है। कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर। लेट बी विद द स्पीड ऑफ व्हीकल और वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, लेट बी वी स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। बस इतना एक्सप्लेनेशन सब चीज के बारे में हो गया। अभी क्या क्या बैलेंस कर रहा है डेरिवेशन में लिख लो, क्या क्या है। हाँ लिख लिया डेरिवेशन, एन इज इक्वल टू एम जी, दूसरा क्या लिखेंगे बराबर, सबका हो गया लिख करके, एक बार देखना है तो देख सकते हो यहाँ पे, एन इज इक्वल टू एम जी, एफ एस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अगर तुम लोग को चाहिए तो दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वे ऑल्सो, ए इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस अपॉन एन टू डिवाइड बाय वन, तो हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, ऐसा भी कर सकते हैं। ये बन गया हमारा म्यू, और ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी मैंने तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो देर फोर वी स्क्वायर म्यू आर जी सेम ही आएगा, बराबर है, वैसा भी कर सकते हैं, क्लियर। तो अभी हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैंकिंग ऑफ अ रोड। ये टू मार्क्स के लिए डेरिवेशन आता है, नेक्स्ट वाला करते हैं अभी। बैंकिंग ऑफ अ रोड, क्या हुआ? अच्छा, बैंकिंग ऑफ अ रोड का मतलब क्या हो गया कि रोड जहां पे ये आउटर एज है, आउटर एज, और ये क्या है, ये सेंटर है ना, तो ये हो गया इसका इनर एज। तो बैंकिंग में क्या होता है, आउटर एज इज एट हायर लेवल, बराबर, इनर एज इज एट लोअर लेवल, ऐसे होता है रोड नॉर्मली ऐसा होता है, बट यहाँ पे जाके बैंकिंग में ऐसा हो जाता है, समझ में आया। आउटर एज इज एट हायर लेवल, इनर एज इज एट लोअर लेवल, बराबर है, देन वी कैन से द रोड इज बैंक, बैंकिंग, समझ में आया। अच्छा क्यों करते हैं, रीजन क्या है? अभी गली में तो हमारा गाड़ी का स्पीड ही कम होता है, तो फ्रिक्शन तो अपने आप ही बढ़ गया उधर, लेकिन हाईवे पे तो गाड़ी का स्पीड ज्यादा होता है, तो फ्रिक्शन कम हो गया ना उधर, बराबर है। जब फ्रिक्शन कम हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए, टर्निंग पे बैलेंस करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल देगा कौन, क्योंकि सडनली तो गाड़ी स्पीड में जा रही है और ब्रेक लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, समझ में, इसको कम कर दिया ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्पीड में गाड़ी जा रही है और सडनली टर्न लेना है अगर, तो उसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल मिलना चाहिए गाड़ी को, बराबर है, नहीं तो टॉपल हो जाएगा गाड़ी, बराबर है। तो वो सेंट्रीपिटल देता है कौन, बैंकिंग, कौन देता है, बैंकिंग, आई बात समझ में। सो व्हाई बैंकिंग इज नेसेसरी, टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, आर यू गेटिंग इट। हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड में कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल, फ्रिक्शनल। हाईवेज में कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग, समझ में आया। कहीं कहीं रोड पे मालूम है हाईवेज पे लिखा होता है 80 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड लिखते हैं ना कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे 100 होता है, कहीं कहीं पे 60 रखते हैं, क्योंकि वहां पे बैंकिंग उसके हिसाब से किया हुआ है, वो रोड पे या टर्निंग पे थोड़ा बैंकिंग स्पीड कम रखा है, मतलब वहां पे फ्रिक्शन भी आता है। तो ऐसा तीन हम लोग डेरिवेशन करेंगे, अभी ये प्योरली बैंकिंग के ऊपर है। सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हेन आउटर एज ऑफ द रोड इज एट हायर लेवल, इनर एज इज एट, देन द रोड इज सेड टू बी बैंक, बराबर है, या बैंकिंग ऑफ रोड इज डन। व्हाई इज इट नेसेसरी, टू प्रोवाइड फॉर विच टाइप ऑफ व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल,
बराबर है, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल। ये वन वन मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाई बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी। ठीक है, सो पहला लिखेंगे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? व्हेन आउटर एज ऑफ द रोड इज एट हायर लेवल, व्हेन आउटर एज ऑफ द रोड is at higher level and inner edge is at lower level, comma, then the road is said to be banked, and the road is said to be banked. नेक्स्ट पैरा में वाई इज इट नेसेसरी है, बराबर है ना? वन मिनट, हाँ तो अभी क्या लिखेंगे, वाई इज इट नेसेसरी क्या लिखेंगे? फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल लिखो, नेक्स्ट पैरा में लिखो फॉर अ फास्ट मूविंग व्हीकल कॉमा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by necessary centripetal force is provided by what? Banking of road. For fast moving vehicle necessary centripetal force is provided by banking of road. Clear हो गया? So one mark का question clear है, ठीक है? So this is about what is banking and why is it necessary. अभी हम करेंगे derivation. Derive an expression for angle of banking. Derive an expression for angle of banking and explain factors affecting what? Angle of banking. 3 marks including statements sab aayega, and explain factors affecting angle of banking. Yes, chalo abhi thoda sa road ko ऊंचा करते हैं, ये रहा अपना रोड, ठीक है? अभी ऊंचा करते हैं, मतलब कैसा हो गया ये वाला पार्ट और ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, तो ये ऊंचा हो गया ये वाला पार्ट इतना वैल्यू से, समझ में आया? ये क्या बोलते हैं इसको, हाइट जितना रेज किया, समझ में आ रहा है? और ये एंगल है, इसलिए इंजीनियर का जरूरत पड़ता है रोड बनाने के लिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कितना भी रेती सीमेंट डाल के नहीं बना सकता है, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन होता है कि ये पर्टिकुलर रोड पे क्या स्पीड से गाड़ी को जाना है और इसका रेडियस कितना है और कितना इसको रेस करना चाहिए, समझ में आया? कहीं कहीं पे देखेंगे ना तो रोड ऐसा लगता है कि बराबर प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, जितना मन करेगा उतना स्पीड ब्रेकर तो ऐसे डाल देते हैं, गली गली में देखो जितना जमा हो गया जमा हो गया, अपने आप धीरे धीरे टूटेगा, तो मतलब ये सब थोड़ा रिस्की है, इसलिए बाइकर्स का ज़्यादा एक्सीडेंट होता है बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ, उनका स्पीड ज़्यादा होता है, और गली में स्पीड ज़्यादा कभी रखना नहीं चाहिए क्योंकि हमको मालूम है कहीं भी स्पीड ब्रेकर ऊंचा नीचा होता है। एनीवेज, तो ये अपना हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, थीटा को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मत बोलना, समझ में आया? क्योंकि थीटा बहुत जगह पर अलग अलग सेम ही दिखने वाला है, ठीक है? ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया। अभी यहाँ पे ये रहा अपना व्हीकल, ठीक है, ये आ रहा है। अभी इस पर क्या क्या फोर्सेस ऐड कर रहा है जरा बताओ मुझे। एम जी किधर ऐड करेगा? नीचे। चलो ठीक है, एम जी नीचे ऐड किया। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, मतलब किधर? नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है? फोर्स विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द, बराबर है? तो ये अपना ये सरफेस है ना, नॉर्मल ऐसा हो गया, समझ में आया कि नहीं आया?
पहले अंडरस्टैंड कर लो भाई, नहीं तो बनाएगा किधर भी. तो नॉर्मल टू द सरफेस मतलब अपना नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस. आर यू गेटिंग इट? बट प्लेन रोड पे कैसा होना चाहिए नॉर्मल? ऐसा. तो मतलब ये कंपोनेंट्स बन गया कि नहीं बन गया? क्या क्या कंपोनेंट्स बना? एक तो सीधा और एक इस टाइप में. दो कंपोनेंट्स बनाना. अच्छा ठीक है, अभी मुझे बताओ थीटा किधर आएगा, एंगल किधर बनेगा, एंगल किधर होना चाहिए? कंफ्यूजन है. पहले नॉर्मल किधर होना चाहिए था प्लेन रोड के लिए? ऐसा. अभी एंगल ऑफ बैंकिंग हुआ तो ऐसा हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए ना. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आ गया एंगल थीटा. सब लोग का कंफ्यूजन इधर ही होता है कि थीटा किधर ले. समझ में आया? बोर्ड में भी यही प्रॉब्लम होता है, पूरा डेरिवेशन जीरो हो जाता है. प्लीज अंडरस्टैंड, एक्चुअल एन का पोजिशन क्या था? स्ट्रेट, लेकिन इंक्लाइन की वजह से हो गया टेढ़ा, तो एंगल उधर ही बनेगा. समझ में आया? अब ये कंपोनेंट बोलो क्या लिखेंगे? एन कॉस थीटा. ये कंपोनेंट बराबर है, ठीक है. सो ये सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल. अवे तो ये वाला यहाँ पे क्या कौन सा वाला आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बस समझ में, पूरा फोर्स समझ में आया? ये सिर्फ कभी के लिए है, एंगल ऑफ बैंकिंग. अभी डेरिवेशन हो जाएगा. अभी बोलो मुझे किसको किसको इक्वल करें भाई, अभी तुम लोग ही बताओ मुझे. हाँ, पहला इक्वेशन क्या मिला? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यूज वाला, विच कंपोनेंट बैलेंसेज एम जी ऑन एंगल ऑफ बैंकिंग, एन कॉस थीटा बैलेंसेज एम जी. दूसरा इक्वेशन बोलो, एन साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर. बराबर है. अभी क्या करेंगे बोलो? डिवाइड. किसको किसे डिवाइड करेंगे? वन बाय टू या टू बाय वन? वाई टू बाय वन? कभी भी टैन होता है कॉट नहीं लेते, बराबर है. तो टू डिवाइड बाय वन. और एक चीज ले सकते हैं बिकॉज वी चाहिए ऊपर ना इसके लिए. तो क्या हो गया? एन अपॉन इज इक्वल टू अपॉन आर अपॉन क्या क्या कैंसिल हो गया इसमें? कैंसिल करो, एम को कैंसिल कर दिया, एन बी तो साइन टैन थीटा बराबर है बी स्क्वायर अपॉन आर जी. बराबर है. सो एंगल ऑफ बैंकिंग चाहिए, एंगल ऑफ ये थीटा है ना, एंगल ऑफ बैंकिंग. सो थीटा क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स टैन बी स्क्वायर अपॉन आर जी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग. अगर तुम लोग को स्पीड ऑफ व्हीकल पूछा तो हाँ, तो स्पीड ऑफ व्हीकल के क्या लेंगे? वी स्क्वायर, बाजू वाले को हटाओ, आर जी टैन थीटा. समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मिला फिर? बी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. ये हो गया स्पीड ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड. बराबर है. बैंकिंग ऑफ रोड वर्ड नहीं भी देंगे, ओनली कर्व्ड. हॉरिजॉन्टल वर्ड आया तो पहला वाला. समझ में आया? ओनली कर्व्ड रोड. तो एंगल ऑफ बैंकिंग वर्ड कहीं तो मेंशन हो गया, या एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो ये वाला करना पड़ेगा. सो थीटा क्या क्या क्वेश्चन था हमारा? एंगल ऑफ बैंकिंग और क्या पूछा? व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स ऑन, टेल मी विच ऑल फैक्टर्स? रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड, स्पीड ऑफ द व्हीकल. बराबर है ना, इसीलिए वहाँ पे स्पीड लगा के रखते हैं. मालूम है ना, हर एक जगह पे हाईवे पे जो मेंटेन करना होता है हम कभी नहीं करते. बराबर है. वो 60 बोलेगा तो हम तो 100 लेके जाएंगे. सो ये हो गया. बट थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल. हाईवे पे आप साइकिल भी लेके जाओ लेकिन वो 100 का स्पीड मेंटेन करो तो ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो उड़ जाएगा. बराबर है ना. हाँ, तो इसके लिए जो है मास ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता एंगल ऑफ बैंकिंग.
बराबर है, एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड करते हैं ओनली स्पीड एंड रेडियस. इसलिए हेवी व्हीकल्स जो भी होते हैं उसको एक साइड में रखते थे, बिकॉज वो इतना, बिकॉज वो हाँ लेफ्ट में एक साइड में रखने को बोलते हैं, ताकि उतना स्पीड वो नहीं ले पाते, तो सबको स्लो जाना पड़ता है. बट एनी वेज, बट बाइक वगैरह को भी एक कॉर्नर से ही जाना चाहिए, बिकॉज उनका स्पीड उतना मेंटेन नहीं कर सकते हैं. किसी का व्हीकल हल्का होता है, बराबर है, बुलेट हमेशा नहीं होता है, तो स्कूटी वगैरह इज वेरी डेंजरस. इज दैट क्लियर? सो थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच? ठीक है, 3 मार्क का समझ में आया डेरिवेशन? इजी है ना ये वाला पार्ट? ठीक है, अभी तुम लोग मुझे और एक चीज बताओगे, ये वाला पार्ट जो है न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा, डेरिवेशन के रिलेटेड नहीं है, डेरिवेशन हमारा खत्म हो गया. अभी तुम लोग मुझे बताओगे कि हाइट कितना लेना है, कितना रेज करना चाहिए, हाइट कितना रेज करना चाहिए. ये वाला जो मालूम है ना लेंथ, ये लेंथ ऑफ द रोड हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे निकालेंगे हम लोग कितना रोड का, हाँ तो कैसे आएगा, ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना, बराबर है. तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन एच अपॉन एल. एच क्या हो गया? एल साइन थीटा. कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मच फॉर अबाउट हाइट द रोड शुड बी रेज्ड, बराबर है, इट शुड बी एल साइन थीटा. थीटा यहाँ से मिलेगा, वो थीटा यहाँ पे डाल सकते हैं वजन में. ये एक्स्ट्रा है पार्ट जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में काम करने वाले. ये रेलवे ट्रैक में भी यूज होता है. मालूम है रेलवे ट्रैक, अभी ध्यान से किसी ने देखा टर्निंग के टाइम पे, टर्निंग के टाइम पे मालूम है ट्रैक को थोड़ा रेज करते हैं वहाँ पे, बराबर है. हाँ तो यही सब कंसेप्ट, यही एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला वहाँ भी यूज होता है. जहाँ पे भी टर्निंग है वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होता है. क्लियर? ये वाला भी चालू है क्या? ऐसे बंद करूं? बंद हुआ रे, कौन सा बंद हुआ? डायग्राम बनाओ, डायग्राम में बराबर से 2 पॉइंट का ध्यान में रखना है, नहीं तो पूरा डायग्राम 0 मार्क्स है. सब लोग ध्यान में रखो, रोड नहीं भी बनाएगा तो भी चलेगा, रोड इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगल ऑफ बैंकिंग और बाकी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. मतलब ये जो पार्ट तुम लोग बनाते हो, एंगल ऑफ बैंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं बनाना कि मन किया तो 90 डिग्री बना दिया, ये होना चाहिए. दूसरा चीज़, जब अगर हम लोग ये वाला पार्ट बना रहे हो व्हीकल, ठीक है, तो इस पर फोर्सेस इस तरह से बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और ये जो है ना इसका पैरेलल लाइन होना चाहिए. सब लोग ध्यान में रखो, इसका पैरेलल मतलब ये वाला पार्ट जो है ये आएगा इस तरह से, समझ में आया? ये इसका पैरेलल होना चाहिए. क्लियर हुआ? हाँ. अभी एन फैक्टर क्या होगा इसके बीच में? पूरा डायग्राम कंप्लीट. और थीटा भी सबको मालूम है किधर होना चाहिए थीटा? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होने चाहिए, ध्यान में रखो, कैसा भी किधर भी एंगल मत बनाओ, सब जन ध्यान में रखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये इस तरह से होना चाहिए. इसके बीच वाला एन आएगा, ये कंपोनेंट मालूम पड़ेगा अभी सबको, क्या आएगा वैसा लिखो, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा. सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एक्टिंग वेयर? सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एक्टिंग वेयर? अलोंग एन साइन थीटा, सेम डायरेक्शन, बराबर है. सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी अपोजिट टू एन साइन थीटा. और ये डायरेक्शन में सीपीएफ, समझ में आया? अपोजिट सीएफएफ. इतना लिख लिया. अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कंपोनेंट मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस पार्ट? अभी इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग लेना, एक एक लाइन बोलते जाओ सब जन. क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में? कंसिडर अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड ऑफ एंगल थीटा. लिखो, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास एम ऑन अ बैंक रोड
ऑफ एंगल थीटा. हाँ लिख लिया. अभी और क्या क्या फैक्टर और क्या लिखेंगे इसमें बताओ. हाँ नॉर्मल रिएक्शन एन इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं मालूम है ना रीजन, क्योंकि ये हाँ इट इज नॉट नॉर्मल पार्ट. ये नॉर्मल जो है एक्टिंग ऑन एट एन एंगल, इसके लिए हमको रिजॉल्व करना पड़ रहा है. बराबर है. सो नॉर्मल रिएक्शन एन इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. कौन से टू कंपोनेंट है? पहला वाला क्या है? एन कॉस थीटा. ये क्या है, कौन सा कंपोनेंट है? ये कौन सा कंपोनेंट लिख सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंसिंग एम जी. बराबर है. ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में आ जाएगा. एन कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंसिंग एम जी. दूसरा कौन सा है? एन साइन थीटा. कौन सा कंपोनेंट है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इसके बारे में क्या लिखना है? दोनों चीज लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखो. कौन सा लिखने का बोलो? बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या तो टुवर्ड्स सेंट्रीपेटल फोर्स. कुछ भी पार्ट हो सकता है. समझ में आएगा डिफरेंस सबको? टुवर्ड्स मतलब ये टुवर्ड्स सेंटर पार्ट है ना. ये मोशन है ना, ये मोशन ऑफ द व्हीकल. तो ये क्या यहाँ पे कौन सा ऐड करेगा? सेंट्रीपेटल. इसका ऑपोजिट हो गया लिखा एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी डेरिवेशन स्टार्ट. डेरिवेशन हो गया, लिखिए. अभी डेरिवेशन मालूम है ना फॉर्मूला? दो लाइन जल्दी फटाफट लिखो. अपने मन से लिखा ना. तो कितना आया? टेन थीटा. दोनों इक्वेशन को बना के क्या मिला? वी स्क्वायर अपॉन आर जी है ना. सो एंगल ऑफ बैंकिंग तुम लोगों को क्या मिला फिर फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी स्क्वायर बाय आर जी. ये क्लियर हुआ? उसकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है उसके आगे? एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल. लिखो एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट. क्या हुआ, डेरिवेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ इसके पहले का. हाँ ये इधर जिसका नहीं हुआ है यहाँ पे देख लो. इधर इधर एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल. बराबर है. अभी स्पीड ऑफ व्हीकल का फॉर्मूला निकालो. हाँ क्या मिलेगा स्पीड ऑफ व्हीकल का? हाँ ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. हो गया ठीक है. तो अभी दो टाइप का रोड हमने कंप्लीट किया. एक में हॉरिजॉन्टल कर्व रोड जहां पे ओनली फ्रिक्शन है, और दूसरा वाला कौन सा रोड? बैंकिंग ऑफ रोड जहां पे सिर्फ बैंकिंग है. बराबर है. अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जहां पे दोनों भी है. ठीक है 5 मिनट का ब्रेक. हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग. क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है? रेडियस. हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग में लिख लो. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ बैंकिंग. क्या क्या पॉइंट्स आएगा उसमें? हाँ तो एक तो पहला इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंड्स ऑन रेडियस, डिपेंड्स ऑन स्पीड. तीन फैक्टर्स है. बराबर है ना. इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास. दूसरा
रेडियस रेडियस ऑफ कर्व रोड एंड स्पीड ऑफ व्हीकल. सो अभी तक छोटा सा ही कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया है. अच्छा पेपर वन इज फुल ऑफ डेरिवेशन एज यू ऑल नो दैट वेरी वेल. बराबर है हर एक चैप्टर में कम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम 8 to 10 डेरिवेशन आपको मिलेंगे. ठीक है चलो अभी नेक्स्ट वाला कंसेप्ट करते हैं. हाँ रोड का वाला थोड़ा बाद में करती हूँ. वेल ऑफ डेथ किधर गया ये डेथ देखो किधर गया. क्या मालूम है सुना है कि नहीं सुना है मौत का कुआं. मौत का कुआं क्या था वो मालूम है ना उसे बाइकर्स ऐसे गोल घूमते हैं. अच्छा एनीवे उनको भी थोड़ा फिजिक्स मालूम हो गया था क्या स्पीड रखना है कब कितना रखना है. ठीक है चलो देखते हैं उसका. अभी उसमें भी क्या क्या फैक्टर्स क्या फोर्सेस एक्ट हो रहा है दैट वी आर गोइंग टू चेक दैट. ठीक है यहाँ पे जो है अब इधर इधर पहले इधर बहुत ज्यादा खुश हो गए तुम लोग. ये रहा हमारा मौत का कुआ. इधर है भाई अपना वो बाइकर. ठीक है जो ऐसा 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 घूमने वाला है फिर जाता है नीचे. और मालूम है ना एक स्फेरिकल डोम भी होता है ऐसे. हाँ उसमें भी वो वाला भी बाद में पढ़ने वाले हैं. एनीवे तो अभी इसमें जो है क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इधर इधर सब लोग पहले मुझे फोर्सेस बताएंगे उसके बाद दूसरा काम करेंगे. इधर इसका सेंटर किधर है भाई. ये सेंटर है बराबर है ना कि बाहर है. इधर ही है. वेट किधर एक्ट करेगा बॉडी का डाउनवर्ड. वेट किधर एक्ट करेगा डाउनवर्ड. चलो ठीक है ये रहा डाउनवर्ड बराबर है ना mg. ठीक है और क्या क्या फोर्सेस तुम्हें कुछ आइडिया आ रहा है और क्या फोर्स एक्ट हो सकता है बताओ. सेंट्रीपिटल किधर एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर बराबर है. और कौन सा फोर्स मालूम है भाई. नॉर्मल रिएक्शन उसके बिना कुछ भी नहीं है. एक चीज ध्यान में रखो तुम खड़े भी हो ना तो पहले नॉर्मल रिएक्शन वेट और नॉर्मल रिएक्शन पहले ये दो फोर्सेस जल्दी बोलने का. हाँ नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा इस तरफ इधर ऊपर मतलब चार ही तो डायरेक्शन है. एक ने बोला इधर एक ने बोला उधर ये बोलता है किधर आएगा जल्दी बोलो. नॉर्मल रिएक्शन ये पहले मालूम भी है नॉर्मल रिएक्शन कौन देता है सरफेस बराबर है. ये बाइकर है ये सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा बराबर है. हाँ ये रहा नॉर्मल रिएक्शन गेटिंग इट. हाँ कुछ भी कहीं भी बना के मत आना. अभी अभी और कौन सा फोर्स आएगा मुझे बताओ. सेंट्रीपिटल इधर आएगा और सेंट्रीफ्यूगल इधर आएगा बराबर है. इतना क्लियर है तो मतलब तीन ही फोर्स एक्ट करेगा. वो तो जाएगा नीचे वो नीचे जाएगा ऊपर कौन एक्ट कर रहा है. ये थोड़ी बैलेंस हुआ सबको. ऊपर कौन एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन समझ में आया. ऊपर कौन एक्ट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स. कुछ समझ में आया कि नहीं. ये फ्रिक्शन मालूम पड़ा ना क्यों एक्ट करेगा क्योंकि मोशन नीचे हो रहा है वेट नीचे है तो उसका अपोज करने के लिए फोर्स कौन सा है फ्रिक्शनल तभी वो जगह पे बैलेंस होगा. गेटिंग इट. हाँ तो अभी यहाँ पे स्पीड क्या होना चाहिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. अभी बोलो अभी मालूम पड़ गया ना फोर्सेस काम खत्म हो गया. अभी बताओ क्या किसको किसको बैलेंस करें. एन इज इक्वल टू जल्दी बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब mv square by equation number 1. दूसरा बोलो fs is equal to mg. fs का मतलब क्या होता है mu. अच्छा ठीक है fs ही रहने दो. चलो ठीक है अभी बोलो किसको किसे डिवाइड करूं. 2 को 1 से क्यों करना है 2 को 1 से 2
टू को वन से क्यों करना है, क्योंकि एफ एस अपॉन एन मिलेगा. एफ एस अपॉन एन क्या होता है? म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर हुआ सबको? टू डिवाइड बाय वन इज इक्वल टू एम जी एम वी स्क्वायर अपॉन आ. सबको समझ में आएगा भाई ये पार्ट? एम गेट्स कैंसर. अभी एफ एस अपॉन एन क्या होता है? म्यू. तो म्यू एस लिखो या म्यू लिखो चलेगा, ठीक है? स्टैटिक के लिए अभी बोलो आर ऊपर जाएगा ना, आर जी अपॉन देर फोर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस. Therefore, V is equal to RG upon mu S. Clear हुआ? अभी तुम लोग मुझे यहाँ पे बताओ. हाँ ओके. तो यहाँ पे जो है मिनिमम जो वेलोसिटी जो मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए? रूट ऑफ RG upon mu S. तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पे Fs ज्यादा होना चाहिए कि Mg ज्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए या एम जी? फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा ज्यादा होना चाहिए सो दैट इट शुड नॉट स्लिप. बराबर है ना? हाँ. तो यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. इज दैट क्लियर? तो ये डेरिवेशन समझ में आया? एकदम सिंपल सा है ना. सिर्फ यही फैक्टर सब याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कब कौन सा फोर्सेस एक्ट करेगा. ये भी टू मार्क्स के क्वेश्चन है. मौत का कुआं, ठीक है? तो उसमें क्या स्पीड ऑफ व्हीकल होना चाहिए? दैट वी हैव टू कैलकुलेट रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस. अब ये फोर्सेस अपने मन से बना रहे, तुम लोग कॉपी करके कुछ फायदा नहीं है. डेरिवेशन कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहा है उतना अंडरस्टैंड करो. डायग्राम अच्छे से बना लो. इसको ऐसा भी बना देगा तो भी चलेगा. बॉडी को रेक्टेंगुलर शेप में भी बनाओगे तो भी चलेगा. क्लियर है? अभी सबका हो गया डेरिवेशन करके? एवरीबॉडी हैज डन, ठीक है. अभी जो हम लोग देखेंगे, हाँ नेक्स्ट वाला पार्ट लिखो. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ व्हीकल on a curved road with lower speed limit. Lower speed limit को underline करो. So दो question आ सकते हैं, lower speed limit and higher speed limit. कहीं कहीं पे स्पीड लिमिट मालूम है कम रखते हैं, कहीं कहीं पे ज्यादा रखते हैं हाईवेज पे, राइट? ओके. अभी मुझे बताओ यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट बोला है ना, कर्व रोड बोला है, तो क्या क्या चीज होगा? बैंकिंग भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा. बराबर है? अभी इसका हम लोग देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स है. चलो डायग्राम अभी बताओ मुझे, डायग्राम पार्ट कैसा होगा? एक तो हो गया बैंकिंग, ठीक है. व्हाट ऑल फोर्सेस विल एक्ट, ये जिस दिन समझ में आ गया ना तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है. अभी मुझे बताओ इसमें क्या आएगा अपने? ये हो गया व्हीकल वाला पार्ट, ठीक है. क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेगा? हाँ तो ये ऐसा ड्रॉ कर दूं मैं यहाँ पे, बराबर है? और एक वाला फोर्स कैसा आएगा? ऐसा वाला है, बराबर है ना? ये अपना फिक्स है, एकदम स्ट्रेट नहीं हुआ है, स्ट्रेट लाइन में. हाँ अभी बोलो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? ये आ गया नॉर्मल. क्लियर? ये बैंकिंग वाला हम लोग बना रहे, बराबर है ना कंपोनेंट्स? हाँ ये एंगल बोलो थीटा, ये कंपोनेंट,
ये कंपोनेंट, ये वाला पार्ट, ये तो बैंकिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन अभी ये रोड पे दो चीज, हाँ एम जी, अभी ये रोड पे दो चीज है, एक तो बैंकिंग भी और दूसरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अभी कौन सा स्पीड लिमिट बोला है? लोअर स्पीड लिमिट, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अपना उसका डायरेक्शन जो है ये वाला, ये फ्रिक्शन इधर आएगा ना बीच में, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कंपोनेंट्स बनाने को इजी नहीं है, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में ये आया फ्रिक्शन, ये क्या आ गया इधर, फ्रिक्शनल फोर्स। एफ एस लिख देती हूँ, चलो तुम लोगों को थोड़ा सा इजीली मन पड़ जाएगा। जो भी है ये फ्रिक्शनल फोर्स मालूम है ना, ये रोड के और टायर के बीच में, इसका कंपोनेंट कैसे कैसे आएगा मुझे बताओ। एक ऐसा जाएगा और एक ऐसा आएगा, आर यू गेटिंग इट? फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आया कि नहीं आया? एंगल किधर आएगा मुझे बताओ, किसके बीच में, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के बीच में? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल होता है, समझ में, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन, आर यू गेटिंग इट? तो ये एंगल क्या हो गया अपना थीटा। तो अभी कंपोनेंट्स अभी ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये कंपोनेंट्स क्या आएगा, हाँ एफ, या तो एफ लिखो सीधा, फ्रिक्शनल फोर्स लिख देते हैं बिकॉज मूविंग है तो फाइन। अभी ये क्या आएगा जल्दी बोलो, और ये क्या आएगा, यस, ये सारा फोर्सेस एक्ट करेगा ऑन अ व्हीकल व्हेन इट इज ऑन अ कर्व्ड रोड एंड विथ फ्रिक्शन लोअर स्पीड लिमिट। ये सबको समझ में आया कंपोनेंट्स? ठीक है, अभी इसके बाद में कौन किसको बैलेंस कर रहा है फटाफट देख के बताएगा जल्दी। एन कॉस थीटा, ऊपर क्या क्या फोर्सेस है जल्दी देखो, ध्यान से देखो, एन कॉस थीटा, और कौन है, साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर दो फोर्सेस है ना, किसको बैलेंस कर रहा है? ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, क्लियर। दूसरा बोलो, एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे थीटा इधर भी है इधर भी है, इसी को एक ही लाइन में लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, एन साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर टू। अभी किसको किसे डिवाइड करेंगे, टू को वन से, क्यों डिवाइड करेंगे टू को वन से, क्योंकि v को ऊपर ले आना है, v स्क्वायर को, बराबर है, हाँ। और tan तो यहाँ पे बोलोगे तो उल्टा आ जाएगा ना, तो we will not say that factor, we'll say that velocity निकालना है ना, स्पीड, तो स्पीड ऊपर होना चाहिए। अभी बोलो मुझे क्या आएगा, n sin theta minus f cos theta divided by plus f sin theta, बराबर है, equal to अपॉन आर अपॉन एम जी। क्लियर हो गया है सबको इतना पार्ट, समझ में आया क्या? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रह सकते हैं। इसको थोड़ा सा इजी बनाएंगे, इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय एन कॉस थीटा डिवाइड बाय, क्यों डिवाइड बाय एन कॉस थीटा लिया हमने, क्योंकि साइन अपॉन कॉस, इसको देखना है मुझे, समझ में आया? यहाँ पे क्या करूंगी, डिवाइड बाय cos theta, इधर भी डिवाइड बाय n, इधर भी डिवाइड बाय, समझ में आया ना, इधर भी डिवाइड बाय n cos theta, क्लियर हुआ सबको? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos theta, अभी ये कैंसिल हो गया, तो sin अपॉन cos tan tan theta मिला, माइनस इधर cos कैंसिल हो गया, f अपॉन n म्यू एस लिख दो या जो भी पार्ट चलेगा तुम्हारे बुक में, जो भी हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी और बोलो आगे क्या करेंगे, ये एम बी कैंसल, इधर कॉस कैंसल एन कैंसल, तो कितना बचा, वन प्लस म्यू टैन थीटा, म्यू टैन थीटा, क्लियर हुआ, इज इक्वल टू v square upon rg, समझ में आया? सो अभी फाइनली क्या निकालना है हमको, v ना, हाँ तो क्या लिखो बोलो, v square rg इधर आएगा, ये ब्रैकेट में आएगा, बराबर है ना, rg
tan theta minus mu upon clear va therefore v is equal to under root हाँ ये पूरा रूट के अंदर आ जाएगा आर जी ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू टैन थीटा दिस इज स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड हैविंग लोअर स्पीड लिमिट सबको समझ में आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो तुम लोग भूल जाते हो भूल जाओगे एग्जाम में वो है F का डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स ये फॉरवर्ड क्यों दिया मालूम है ना क्योंकि यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट मतलब फ्रिक्शन ज्यादा फॉरवर्ड फ्रिक्शन कम बैकवर्ड ठीक है मोशन ऑफ इसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसके लिए हायर साइड दिखाया है इसको ये डायग्राम जरा बराबर से बना लेना सबको डेरिवेशन समझ में आ रहा है ना डायग्राम के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना बराबर से डायग्राम बनाओ पहला एन का बना लेते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग का पूरा फैक्टर्स उसके बाद में फ्रिक्शन का बनाओ और डायग्राम देखो मैंने जैसे बताया ये पैरेलल दिखना चाहिए स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए और बराबर से बनाओ डेरिवेशन पार्ट एक बार चेक कर लो जिसने भी लिखा है मिस्टेक नहीं होना चाहिए और जितने भी फॉर्मूलेज बन रहे हो सब दिमाग में रखना पड़ेगा और जब फ्रिक्शन है तो क्या फॉर्मूला है स्पीड का ओनली फ्रिक्शन है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है और ओनली फ्रिक्शन स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड हाँ रूट ऑफ म्यू आर जी वी इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी ओनली बैंकिंग है तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा और बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों भी है तो आर जी ब्रैकेट रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट टैन थीटा डिपेंड करता है लोअर या हाइयर लोअर में बीच में माइनस आता है लिख लिया डेरिवेशन ओके हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा अपर स्पीड लिमिट क्वेश्चन लिख लो फटाफट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड विथ अपर स्पीड लिमिट अपर स्पीड लिमिट अपर स्पीड लिमिट अंडरलाइन करो खाली वो इतना ही चेंज होता है ध्यान में रखना हाँ अभी अभी डायग्राम तुम लोग बनाओ सब लोग डायग्राम बनाओ फिर मैं बोर्ड पे बनाऊंगी और देखो राइट है कि रॉन्ग है चलो पूरा कंपोनेंट तुम लोग बिना देखे तुम लोग ट्राई करो अपने मन से रफली बनाओ एक कॉर्नर में चलेगा बाद में अच्छे से बना लेना हाँ फ्रिक्शन वाला पार्ट या तो इधर ड्रॉ करना है इधर ड्रॉ करना है एक ही बात है क्या आएगा इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन वाला पार्ट में कैसा आएगा ये पार्ट लेते हैं ये रहा फ्रिक्शन बराबर है इसका कंपोनेंट्स कैसे कैसे आएगा एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा करेक्ट एंगल किधर बनेगा ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा बराबर है ना
बनाया क्या सबने? कितने जने बनाया ऐसा डायग्राम? ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। बराबर है। अभी डेरिवेशन कर लो। अभी मालूम है ना क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसमें? आ रहा है एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ अकेला है इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। आया पहला इक्वेशन? थीटा थीटा को साथ में लगा लो, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर वन, पहला इक्वेशन। दूसरा वाला एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आया ये वाला पार्ट? अभी किसे किसको किसे डिवाइड करेंगे हम लोग? टू को वन से। टू को वन से क्यों करेंगे पता है ना? वी ऊपर चाहिए इसके लिए। डिवाइड करो सब लोग, जरा अपने मन से ट्राई करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे? डिवाइड बाय एन कॉस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा। यहाँ पे इसलिए मैंने डायरेक्टली सेपरेट कर दिया। तो पहला टर्म आएगा tan थीटा प्लस एफ अपॉन एन जिसको हम म्यू लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आया सबको इतना पार्ट? दोनों में इक्वेशन में फर्क भी मालूम पड़ा होगा क्या डिफरेंस है? ऊपर माइनस था उसमें, लोअर में न्यूमरेटर माइनस, हायर में न्यूमरेटर प्लस, हायर प्लस नीचे का ऑपोजिट आएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर हुआ? तो कितना डेरिवेशन कर लिया हमने अभी तक? पहला कौन सा डेरिवेशन किया था? हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रूल, उसके बाद में बैंकिंग, उसके बाद में वेल ऑफ डेथ, उसके बाद में लोअर स्पीड लिमिट हायर स्पीड लिमिट। बराबर है। अभी है कॉनिकल पेंडुलम। ये भी तुम लोग को हुआ था ना इलेवेंथ में, लेकिन ट्वेल्थ में भी रखा है। चलो हो गया ये वाला पार्ट। डेरिवेशन पूरा इजी लग रहा है ना? एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बस डायग्राम बनाने का, फैक्टर्स ये चैप्टर में आउट ऑफ मिलना ही चाहिए। हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। अभी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, और ये नहीं सोचने का कितना आज पढ़ाया, ये चीज निकाल देना जरा, क्योंकि इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना है अभी। हाँ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर
स्पीड ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग कॉनिकल पेंडुलम. Derive an expression for speed of a body performing conical pendulum. Full stop. Also derive its periodic time. Also derive its periodic time. याद है कितने को derivation याद है, diagram याद है. Conical pendulum कैसे बनता, कैसे है करने का उसके लिए, ऐसा 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 नहीं चाहिए, क्या करना है बोलो. थ्रेड लेना है, बॉडी अटैच करना है, फिर कैसे घुमाना है इसको, बराबर है. तो ऐसा ऐसा बनेगा, बराबर है ना. तो कोन बनेगा, कोन का शेप, ये हो गया कॉनिकल पेंडुलम. ट्वेल्थ में तुम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हो सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में कोन नहीं बनाएंगे, सिंपल पेंडुलम में ऐसा छोड़ के ऑक्सिलेटरी मोशन, बराबर है. और ऐसा घुमा दिया तो कॉनिकल पेंडुलम, ऐसा घुमा दिया तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी डेरिवेशन बाद में है. ठीक है, अच्छा ठीक है. अभी कॉनिकल पेंडुलम देखो, मालूम पड़ा व्हाट इज कॉनिकल पेंडुलम. स्ट्रिंग अटैच टू अ बॉडी वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल मोशन, बराबर है. सो फॉर्म्स व्हाट, कॉनिकल पेंडुलम. तो डायग्राम बनाते हैं इसका. इसके ऊपर भी क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बताना पड़ेगा तुम लोगों को. हाँ चलो ठीक है. अभी ये रहा ठीक है, ये रहा लेंथ. और यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये नहीं भी ड्रॉ करेगा तो भी चलेगा. बन गया कौन, दूसरा कोई कुछ काम नहीं करेगा. अभी इधर कॉन्सेंट्रेट करो. ये कौन बन गया, ये पार्ट क्या है, हाइट ऑफ द कौन, ये पार्ट क्या है, बराबर है. ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, थीटा. नाम बोलो उसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगल बना है ना, तो हाँ तो ये हो गया थीटा पार्ट. अब यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं होगा, बराबर है ना, एंगुलर. ठीक है, अच्छा ये जो थ्रेड ऐसा पत्थर लटका दिया इधर, ठीक है, ये रहा स्टोन ऑफ मास m. ठीक है, तो थ्रेड में जब भी पत्थर बांधेंगे, स्टोन बांधेंगे, तो क्या थ्रेड ऐसा ढीला ढीला रहेगा, क्या टाइट रहेगा, मतलब क्या इसमें प्रोड्यूस हुआ है, टेंशन. टेंशन का डायरेक्शन कौन सा होता है, टुवर्ड्स सस्पेंशन, टुवर्ड्स. इतना तो क्लियर हो गया ना. हाँ ठीक है, ये रहा टेंशन का डायरेक्शन. ठीक है, कैपिटल टी इधर पीरियडिक टाइम नहीं है, कैपिटल टी क्या है, टेंशन इन द स्प्रिंग, क्योंकि बाद में तुम लोग को कंफ्यूजन आएगा, कुछ और ही नाम मुझे बोले बताएगा. चलो ठीक है, अभी ये वाला पार्ट बोलो क्या आएगा, ये वाला पार्ट को क्या है, रेडियस. ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर. नाउ व्हाट ऑल फोर्सेस विल एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, एम जी किधर एक्ट करेगा, नीचे, एम जी नीचे. और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर. तो कभी भी ना, एक तो पहला ये वाला पार्ट में बना देती हूँ, फिर तुम लोग मुझे बताओ फोर्सेस क्या क्या एक्ट करेंगे. ठीक है, अच्छा चलो ये अलग कलर दे देती हूँ, बराबर है. हाँ अभी बताओ, पहले थीटा किधर आएगा पहले मुझे बताओ. ये थीटा है ना, तो ये एंगल क्यों, ऑल्टरनेट एंगल. ये किसका कंपोनेंट बनाया मैंने, टी, ये टी कॉस थीटा, बराबर है कि नहीं. और ये वाला पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल. अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर. इतना फोर्सेस एक्ट करेगा. क्लियर हुआ, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, किसको किसे डिवाइड करेंगे, टू बाय वन.
टू डिवाइड बाय वन, क्यों करेंगे पता चला, वी स्क्वायर ऊपर आना चाहिए ठीक है, या टेन थीटा जो भी ले सकते हैं। अभी बोलो टी साइन थीटा अपॉन अपॉन एम जी बराबर है। अभी क्या आएगा एम एम टी टी टेन थीटा बी स्क्वायर अपॉन आर जी, सो बी स्क्वायर therefore velocity पूछा ना, स्पीड ऑफ बॉडी आर जी, तो वी इज इक्वल टू ये तुम लोगों को बैंकिंग जैसा दिख रहा है लेकिन वो एंगुलर बैंकिंग था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबको समझ में आया? पहले डायग्राम बनाओ रे अच्छे से, सब लोग डायग्राम अच्छे से बनाओ। लेक्चर के बाद मुझे प्रिंस सत्यम जाई व्हाट इज नेम मिलना है, डायग्राम पहले फोर्सेस वगैरह सब बराबर से ड्रॉ करना। तुम लोगों को मालूम है वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बना देने का स्ट्रेट तो टेंशन खत्म हो जाता है, फिर डायग्राम में मिस्टेक नहीं होगा। अदरवाइज अगर ये रफ डायग्राम बनाया है तो डायग्राम के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। और एरो कंपलसरी है बिकॉज फोर्सेस को हम लोग वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं तो वो कंपलसरी है। ध्यान से सब जन देखो, कर लिए इतना इसमें भी अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सबको मालूम है ना, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू फॉर्म कॉनिकल पेंडुलम वगैरह वगैरह। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अगर इसमें यहां तक हो गया सबका, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है कैलकुलेट टेंशन इन द स्प्रिंग, कैलकुलेट टेंशन इन द स्प्रिंग, डिपेंड करता है कौन सा डेटा दिया है, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में आया? स्पीड दिया है तो स्पीड का, अगर नहीं दिया है mg, एंगल दिया है तो t cos theta is equal to mg डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो जरूरत ही नहीं कि टेंशन का फॉर्मूला क्रिएट करने का, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। अगर फिर भी डायरेक्ट टेंशन का डायरेक्ट अगर तुमको निकालने के लिए बोला है फॉर्मूला तो क्या तरीका है मुझे बताओ, हाउ विल यू कैलकुलेट टेंशन फॉर्मूला फ्रॉम दिस, क्या करेंगे एनीबडी? कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग, दो अलग अलग फॉर्मूला तो नहीं लिखे, इसको कंबाइन करना पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताओ, ऐड करेंगे ऐड करेंगे
एक मिनट इसमें, हाँ यहाँ पे ओके, यहाँ पे अगर टी चाहिए तो थीटा को हटाना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ, थीटा कैसे हटेगा डिवाइड में, थीटा को हटाना है मुझे बताओ क्या करना चाहिए, एनीबडी? अरे तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नाम से कुछ आता जाता नहीं है क्या, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, थीटा हटाना है मुझे, एनीवन? चलो दो इक्वेशन दिया है ना, टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, टी को हटाना था तो डिवाइड किया, अभी थीटा को हटाना है, टी चाहिए तो क्या करना चाहिए, एलिमिनेट किसको करने का, कैसे एलिमिनेट करोगे बताओ, अरे बोलना, हाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो मुझे दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, हो गया काम खत्म इधर, अभी करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये एक्स्ट्रा पार्ट मैं दे रही हूँ, ठीक है, ये चाहिए तो मार्जिन में ड्रॉ करके रखो, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए टी अगर निकालने के लिए बोला तो कैसे करना है, तो क्या करेंगे बोलो, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायरिंग एंड एडिंग प्लस टी स्क्वायर, लेफ्ट वाला स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा, अभी राइट में भी करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो राइट में क्या हो जाएगा, एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, क्लियर हुआ, अभी क्या करोगे, क्या कॉमन है इधर, टी स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना होता है वन, तो सिर्फ बचेगा टी स्क्वायर, लेफ्ट साइड में बचेगा, समझ में आया ना, राइट साइड में क्या बचेगा, एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, अगर मैं बोलू टी इज इक्वल टू कितना, लगा ही मुझे, मैंने अगर पूछा टी इज इक्वल टू कितना, सबके दिमाग में एक ही आंसर आ रहा है, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये प्लस है, यू कैन नॉट सेपरेटली रिमूव दिस स्क्वायर, सो इट विल कम अंडर रूट, समझ में, ये फैमिली है, मैंने बोला था प्लस माइनस साथ में आया, अकेला अकेला अलग नहीं कर सकते हो, तो इट विल बी एम जी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम को बाहर निकाल सकते हो वगैरह वगैरह, बट फिलहाल हम लोग इतने ही रखेंगे ना, इसके आगे इतना काम करने की जरूरत नहीं है, अभी समझ में आया क्या मेथड यूज किया इधर, अगर टी का फॉर्मूला चाहिए तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, कैसे एलिमिनेट करने का वो मुझे तुम लोगों को बताना था, समझो अभी, क्लियर हुआ, तो अभी तक क्या क्या निकाला कॉनिकल पेंडुलम का हमने, वेलोसिटी कितना आया, वेलोसिटी रूट आर जी टेन थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग रूट एम जी स्क्वायर प्लस, बराबर है, अभी तीसरा क्या निकालना है, पीरियोडिक टाइम, नेक्स्ट हेडिंग लिखो पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी से डिनोट करते, वापस इधर गड़बड़ होने वाला है, वो टी क्या था, टेंशन, ये टी पीरियोडिक टाइम, डिफरेंस ध्यान में रखना, जब भी डेरिवेशन थोड़ा बहुत कभी भूल से प्रैक्टिस किया तो, ठीक है, अभी बोलो कैसे निकालेंगे पीरियोडिक टाइम, 2 पाई बाय टी, किसका फॉर्मूला है ये, ओमेगा, सी टी जो है ओमेगा में आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी,
लेकिन ओमेगा हमको मालूम नहीं है, बराबर है? हमको क्या मालूम है? वी। ओमेगा के बदले में क्या लिखेंगे? बी बाय आर। कुछ याद आ रहा है क्या? ये ऑलरेडी 11th में किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ। कुछ लोग ऐसा ब्लैंक दिख रहे हैं, जरा पीछे टर्न करके पेजेस में देखो, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। ओमेगा का दो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं इधर। ओमेगा टी, टी चाहिए तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय टी होता है, और ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला क्या है? बी बाय आर, टू पाई बाय टी। फाइंड आउट करना है टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, बराबर है? टू पाई आर अपॉन बी, बराबर। बट बी इज इक्वल टू क्या मिला? बी का फॉर्मूला भी इधर, और का भी नहीं लिखेंगे। एक मिनट, तुम्हारे दिमाग में आ गया ना बी इज इक्वल टू आर ओमेगा? आया था किसी का? नहीं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके दिमाग में आया था? आया होगा, सब झूठ बोलते हैं। सो ये भी कॉनिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, उसी का वेलोसिटी लिखने का, किसी और का नहीं लिखने का। हाँ ठीक है, तो वी का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ, देयरफॉर टी इज इक्वल टू टू पाई आर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। फॉर्मूला में एक ही टर्म दो दो बार नहीं आता है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करने का भी बताओ। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, कौन है भाई इधर? अपने आप खुला, धक्का मारा किसी ने? करो करो करो, सॉल्व करो तुम लोग। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जो मन में आता है वो ले लो, लेकिन मुझे आंसर दे दो। किसका? कैपिटल टी का। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर रहे हो, ओके। कितना आएगा? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और रूट निकल जाएगा आर जी टेन थीटा। कौन कैंसिल होगा इधर? आर कैंसिल हो जाएगा। अभी स्क्वायर रूट, बराबर है? स्क्वायर रूट ले लो। अभी स्क्वायर रूट लोगे तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है टी, बराबर है? बाकी का भी स्क्वायर रूट लेते जाओ। 4 का 2, पाई स्क्वायर का पाई। अभी इधर स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा, आर अपॉन जी टैन थीटा। पीरियोडिक टाइम ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, मुझे टेन थीटा नहीं चाहिए, मुझे टेन थीटा फॉर्मूला में नहीं चाहिए। अभी क्या करने का? देखो डायग्राम को देखो और मुझे बताओ क्या करना चाहिए। देख के जरा बताना डायग्राम में, टेन थीटा आई डोंट वांट, तो टेन थीटा के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ये बड़ा अच्छा है, मुझे थीटा ही नहीं चाहिए अभी, ठीक है? हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन बराबर हो गया। डायग्राम देखो रे, टेन थीटा का फॉर्मूला बोलो डायग्राम के हिसाब से। आर बाय, डायग्राम देखा क्या किसी को? थीटा किधर डायग्राम में मालूम पड़ा? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अपोजिट कौन सा है थीटा के? आर, आर बाय एच, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आर बाय एल कर रहा था ना अभी तक। हाँ, आर अपॉन एच, ये मालूम पड़ा कहाँ से मिला है? यस, सब बड़ा बड़ा बोलते हैं। कहाँ गया रे डायग्राम? हाँ इधर, बराबर है? टेन थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, tan theta will be opposite upon adjacent, opposite r,
अच्छा किसी के दिमाग में आ रहा है अपोजिट टी साइन थीटा भी तो है, नहीं नहीं पूछ लो पूछ लो। हाँ वो फोर्स है, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, समझ में आया? सब्स्टिट्यूट करो अभी, कैपिटल टी का दूसरा फॉर्मूला निकालो, बराबर। बट टैन थीटा का वैल्यू कितना मिला हमको, आर बाय एच, देयरफॉर पीरियोडिक टाइम 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी इंटू आर बाय एच, एच ऊपर जाएगा, एच ऊपर जाएगा ना, हाँ 2 पाई रूट ऑफ एच अपॉन जी, ये दूसरा फॉर्मूला मिला, क्लियर हुआ? मुझे एल चाहिए फॉर्मूले में, लेंथ चाहिए, अभी निकाल के दो, लेंथ कैसे निकालेंगे बोलो, नहीं चाहिए लेंथ चाहिए, अभी वापस से डायग्राम में ढूंढो, हाइट नहीं चाहिए एल चाहिए, बताओ ये ऐसा था ना ट्रायंगल, याद है कि नहीं याद है, ये एच, ये है थीटा और ये है एल, पाइथागोरस नहीं भाई, अभी एच है ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है तो पाइथागोरस मैं कैसे लगाऊंगी, हाँ तो और एंगल दिया है तो थीटा वाला पार्ट आएगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, बराबर, सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो फाइनली टी का फॉर्मूला क्या मिला, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एच की जगह पे लिखेंगे एल कॉस थीटा अपॉन जी, सो पीरियोडिक टाइम का 3 फॉर्मूला मिला, वन इज विथ रेडियस हाइट लेंथ, बराबर है, जो न्यूमेरिकल्स में पूछा उसके हिसाब से हमको यूज करना पड़ेगा, क्या हो गया थक गया तुम लोग, खत्म कर दूं? अच्छा ठीक है, सर्कुलर मोशन में अभी एक बड़ा कंसेप्ट है दैट इज फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और 2 छोटे छोटे सिर्फ फॉर्मूले हैं बस, तो सर्कुलर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर सम्स चालू करेंगे बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन, बराबर है।